तो फ्रेंड इस तरह का अमेजिंग वीडियो काइन मास्टर एप्लीकेशन से बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इस दिए हुए प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से 1:1 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको मीडिया में जाना है और यहाँ से कुछ इमेजेस को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड आपको इन इमेजेस को यहाँ से क्रॉपिंग वाले ऑप्शन में जाके कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर देना है और इनके स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन को इक्वल कर देना है। इसी प्रकार से आपको सारी इमेजेस को क्रॉप करके एडजस्ट कर देना है बारी बारी से। उसके बाद फ्रेंड आपको इन इमेजेस में एक ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना है, तो यहाँ से मैं ये जूम इन एंड जूम आउट वाला इसमें इफेक्ट लगा देता हूँ बारी बारी से। अगर आप इस ट्रांजिशन इफेक्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको नीचे जाना है और यहाँ पर गेट मोर का ऑप्शन दिया, आपको इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आप इस ट्रांजिशन इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे ट्रांजिशन इफेक्ट दिए हुए हैं। उसके बाद फ्रेंड आपको इस वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है और अपने फाइल में सेव कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड आपको बैक आ जाना है और यहाँ से फिर से आपको इसी प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड आपको मीडिया में जाना है और यहाँ से एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट कर लेना है और इसके ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद फ्रेंड आपको लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है और यहाँ से एक टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लेना है। इसका डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं ये टेम्पलेट। उसके बाद आपको इस टेम्पलेट को फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद आपको इस टेम्पलेट के क्रोमा की वाले ऑप्शन में जाना है और इसके क्रोमा की को इनेबल कर देना है। उसके बाद फ्रेंड आपको लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है और यहाँ से उसी वीडियो को सेलेक्ट करना है जिसको हमने कुछ देर पहले एक्सपोर्ट किया था और इस वीडियो को कुछ इस प्रकार से यहाँ एडजस्ट कर देना है इस लीफ वाले इमेज के सामने। और यहाँ से आपको कोने में 3 डॉट का साइन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है और इसे सेंड टू बैक कर देना है और इसे कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर देना है। उसके बाद फ्रेंड आपको इस टेम्पलेट के बढ़े हुए भाग को ट्रिम करके कम कर देना है। उसके बाद फ्रेंड आपको फिर से एक बार लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है और यहाँ से एक टेक्स्ट पीएनजी इमेज को सेलेक्ट करना है और इस टेक्स्ट पीएनजी इमेज को कुछ इस प्रकार से यहाँ एडजस्ट कर देना है। उसके बाद फ्रेंड आपको फिर से एक बार लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है और यहाँ से एक कलरफुल बैकग्राउंड वीडियो को सेलेक्ट करना है और इस वीडियो को कुछ इस प्रकार से यहाँ लगा देना है। उसके बाद आपको इस वीडियो के ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से इस वीडियो को स्क्रीन कर देना है। उसके बाद फ्रेंड आपको इस वीडियो के एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर देना है यहाँ से। उसके बाद फ्रेंड अगर आप इसमें कोई म्यूजिक भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको इस ऑडियो वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आप अपना मनचाहा म्यूजिक इसमें ऐड कर सकते हैं।
म्यूजिक को ऐड करने के बाद आपको इस म्यूजिक के एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से ट्रिम कर देना है। तो फ्रेंड हमारा जो वीडियो है वो बन के तैयार हो चुका है, चलिए मैं इसे प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड आपको कोने में एक एरो का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से एक्सपोर्ट करके इस वीडियो को अपने फाइल में सेव कर लेना है। तो फ्रेंड आप इस तरीके से ये वीडियो बना सकते हैं अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन से। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।